वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि रेलवे परीक्षा आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर डेली आपको सेट पेपर यहाँ पर डालता रहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो व्यक्ति हमारे चैनल पर दोस्तों नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। तो जान लेते हैं दोस्तों, अगर आपको 80+ स्कोर करना है तो आपको यहाँ पर जितने भी दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के सेट या फिर मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं आप घर पर बनाइएगा और उसको करिएगा सॉल्व। अगर आप दोस्तों 80+ स्कोर जलाना चाहते हैं तो उसमें दोस्तों आपकी मैथ में और रीजनिंग में मुश्किल से पूरे क्वेश्चन पेपर में 4 या 5 सवाल छूटना चाहिए, तभी आप 80+ ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग यहाँ पर GK और करंट का कुछ अफेयर का कुछ भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें 2 या 3 या फिर 4-5 क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टारगेट लाना होगा कि अब हम 50 में से जो GK और रीजनिंग है 50 में से उसमें से आप कम से कम 45 लाएँ, ठीक है, तब आप 80+ स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों GK और करंट अफेयर में यहाँ पर साइंस में नहीं हो पाता है पूरा का पूरा सही, ठीक है, क्योंकि उसमें गलत हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अपनी रणनीति बनाइएगा। तो यहाँ पर जान लेते हैं क्वेश्चन पहला क्या है, ठीक है। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अविवाहित अध्यापक और पिता को सूचित करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है अविवाहित अध्यापक और पिता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं पिता हैं, ठीक है जी, या दोस्तों हम लोग मान लेते हैं अध्यापक हैं, ठीक है। कुछ अध्यापक दोस्तों यहाँ पर पिता भी हो सकते हैं, कुछ अध्यापक यहाँ पर अविवाहित भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा लॉजिक यहाँ पर सही रहेगा, यहाँ पर रहेगा हमारा ए सही, यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमें बताना है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा वायु श्वास रक्त क्या होगा। यहाँ बताना है हमें वायु हम का संबंध श्वास से है, तो रक्त का संबंध किससे होगा, तो रक्त का संचरण दोस्तों हमारा रक्त परिसंचरण होता है, ठीक है। परिसंचरण मतलब हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है, ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या लिखा है यहाँ पर, 27, 9, 64 के बाद यहाँ पर क्या होगा। देखिए आपको 27 क्या है, 3 का क्यू है और यहाँ पर 3 का वर्ग है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर 64 दोस्तों क्या है, 4 का घन है और यहाँ पर हमारा 4 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 16। तो यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ABCD, यहाँ पर हमारा सीधा सीक्वेंस लग रहा है, यहाँ पर लिख रहा है उल्टा सीक्वेंस EFGH। तो यहाँ पर लिखा है OPQR, यहाँ पर उल्टा लिखेंगे हम लोग, OPQR के बाद क्या आता है STUV, ठीक है। तो STUV किस में दिख रहा है ऑप्शन, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा STUV, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। देखिए दोस्तों बकरा, शेर, घोड़ा, ये हमारे क्या हैं, कई लॉजिक लग सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कौन सा लॉजिक यहाँ पर मेल और फीमेल का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये कौन है, बकरा, शेर और घोड़ा, यहाँ पर हमारे मेल हैं, यहाँ पर इसको कह सकते हैं ये पुल्लिंग है और यहाँ पर गाय हमारा स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर D हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये दूध देती है गाय, ये दूध नहीं देते हैं, तीन, ये भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, कई लॉजिक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्प में से भिन्न है, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा लॉजिक लग रहा है I के बाद J K L M, यहाँ पर एक का डिफरेंस है, D के बाद EFGH, ये भी हमारा सही है, PQRST, ये भी हमारा सही है, ये दोस्तों हमारा UVWX। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा, यहाँ पर हमारा लॉजिक लगेगा दोस्तों E, ये हमारा इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दिए गए हैं सार्थक क्रम में बताना है आपको, इसका सीक्वेंस बनाना है, क्रम क्या होगा, ठीक है। दोस्तों ये छाती, ललाट, पेट, कान, पैर, ठोड़ी। तो दोस्तों आपने देखा होगा हमारे शरीर पर दोस्तों सबसे पहले क्या होती है, ललाट, क्या होती है, ललाट। ललाट मतलब दोस्तों क्या होता है हमारा, ये माथे के ऊपर होता है, इसको कहते हैं ललाट, ठीक है। तो ये माथे के ऊपर ललाट है हमारा, ये हमारा सबसे पहले आएगा, फिर आता है ललाट के ऊपर क्या आता है दोस्तों हमारा, ललाट के बाद आता है हमारा कान। देखिए आपको अपने ललाट पकड़िएगा, सिर के ऊपर हाथ रखिएगा, उसके बाद क्या आता है, कान। तो आपको कान दिख रहा होगा 4 नंबर पर, कान के बाद क्या आता है, कान के बाद आपको पता होगा ये आता है थोड़ी, थोड़ी मतलब दाढ़ी, जो हम लोग दाढ़ी होती है ये हमारी आती है 6 नंबर पर, ठीक है। और दोस्तों आपको क्या है, इसके बाद आता है दाढ़ी के बाद क्या आता है, आपको दिख रहा होगा दाढ़ी के बाद आता है हमारी छाती, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा और फिर हमारा 3 आएगा, 3 के बाद में 3 नंबर पेट आता है और 5 नंबर क्या आता है, वो पैर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्वेंस बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, ए की माता बी की बहन है। देखिए जो ए है इसकी कोई माता रही होगी, तो यहाँ पर माता लिख लेते हैं, ए की माता बी की बहन है, जी हमारी इस बी की बहन है, ठीक है।
और उसकी पुत्री सी, और दोस्तों जो ए है, सॉरी ए की माता की पुत्री जो सी है, इसकी पुत्री है, ठीक है, जो तो ये हमारी इसकी पुत्री हो गई। दोस्तों इसका सी का बी से संबंध किस प्रकार है बताना है हमें, किस प्रकार सी से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ए की माता वी है, ये बी हो गई, और उसकी पुत्री सी है जो 21 वर्ष की है, किस प्रकार सी से संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारा है मातृवंत मामा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की दौड़ने की गति बी से तेज है, ठीक है, मतलब कि ए है जो वो बी से तेज दौड़ता है, ठीक है, परंतु सी की तुलना में कम है, तो सी सबसे तेज दौड़ता है, ठीक है। अब क्या बता रहा है यहाँ पर, अब बताना है हमें सी की गति डी से कम है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डी है वो जो सी से तेज दौड़ता है, ठीक है। तो इनमें सबसे तेज कौन दौड़ेगा, यहाँ पर सबसे तेज दौड़ने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पीछे, यहाँ पर सबसे कम दौड़ने वाले हैं, सबसे तेज दौड़ेगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिशा से है, मैं 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताना है हमें 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, मतलब मैंने अपने हिसाब से कर रहा हूँ, अब अपने हिसाब से करिएगा इसको, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती हैं, ठीक है, ये चला गया पूर्व की ओर, मेरी दिशाएं अलग हो सकती हैं, आप अपनी मानी करिएगा, ठीक है, लेकिन आंसर सेम आएगा। और दाई तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, और दाई तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और पुनः बाई तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, यहाँ पर बाई तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। उसके बाद में दाई सॉरी मैं बाईं तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर जाता हूँ, तो यहाँ पर 22 किलोमीटर, यहाँ पर 8 किलोमीटर पहुँच गया, ठीक है। ये हमारा कहाँ मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़कर, तो पहले की स्थान से मैं कितनी दूरी पहुँचूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 जी दूरी है, वो 5 जी दूरी दिख रही होगी, इस लेन को मिलाएंगे तो 5 ही आता है, 5 ही आता है, तो कुल आता है हमारा 10 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आंसर है हमारा यहाँ पर 10 किलोमीटर, आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, 10 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पूर्व की ओर गाड़ी मैं 5 मील चला, देखिए दोस्तों ये पूर्व की ओर चल गया है, 5 मील चल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं यहाँ बनाता हूँ, ये पूर्व की ओर चल गया है, 5 मील चल गया, ठीक है, 5 मील चल गया। उसके बाद 3 मील उत्तर की तरफ चला, 3 मील उत्तर की तरफ चला, ये 3 मील उत्तर की तरफ चला गया, ठीक है। उसके बाद मैं बाईं ओर मुड़कर 2 मील चला, उसके बाद मैं बाईं ओर, दोस्तों यहाँ बाईं ओर मुड़कर 2 मील चल गया, ठीक है जी। अब बताना है उसको, और वह पुनः बाईं ओर मुड़ा, और वह पुनः बाईं ओर मुड़ा, अपना बाईं ओर मुड़ गया। दोस्तों बस बताना है आपको कि अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, तो लास्ट उसकी दिशा कौन सी है, तो लास्ट उसकी दिशा है दोस्तों दक्षिण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, दक्षिण, तो आप अपने हिसाब से करिएगा, इसका आंसर दक्षिण आएगा, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संकेत भाषा के अनुसार वेट को DCV लिखा जाता है, तो मेन को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों वेट को क्या लिखा जाता है, DCV, तो बी के बाद क्या आता है, CD, मतलब दो अक्षर का यहाँ पर ऐड हो रहा है, क्योंकि ए की बात क्या आता है, बी, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है ए की बात सी, तो मतलब दो अक्षर जोड़ना है। तो एम की बात क्या आ गया, MNO, तो ओ किस में है, पहले में ओ, सभी में है पहले में, तो ओ आएगा, ठीक है। ओ के बाद दोस्तों ए में जोड़ेंगे दो, तो 3 पर क्या है, सी आएगा, ठीक है, और एन को जोड़ेंगे दो तो क्या आएगा, OC, OC का आपको आपको दिख रहा होगा, आप इसको भी मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बराबर 16, टैब बराबर 37, तो कब बराबर कितना होगा। तो पता है आपको कब, मतलब 3 आता है सी, और 21 आता है यू, और पी आता है हमारा कितना, 16, तो 16, 6 और 3, 9, 1, 10, हमारा 40 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको योग करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये शब्द, इसमें आपको पढ़ के जल्दी से जल्दी आंसर देना है, इसका आंसर कैसे दिया जाता है, देखिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा कि कौन सा शब्द नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले आप ऑप्शन डी से देखिएगा, डी देखिएगा, फिर सी देखिएगा, यहाँ पर बी देखिएगा, फिर ए देखिएगा, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर देखो दोस्तों हम देखेंगे 39 का, सबसे पहले बी देखेंगे। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा बी ऑप्शन में INS, तो INS दिख रहा है आपको, इसमें कहीं दिख रहा है आपको INS, हाँ ये INS ये दिख रहा है, ठीक है, फिर T ये दिख रहा है, फिर R ये दिख रहा है, और फिर U ये दिख रहा है, और फिर C ये दिख रहा है, फिर T दिख रहा है आपको, तो दोस्तों इनमें से डबल T नहीं है, देखिए आपको डबल T नहीं दिख रहा होगा इसमें, हाँ ये है टी, सॉरी यहाँ पर टी दिख रहा है, लेकिन आपको ओ नहीं दिख रहा होगा जी, ओ यहाँ पर आया है, इस शब्द में नहीं आया है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको प्रश्न आकृति दी गई है, इसमें बताना है आपको अगली आकृति क्या होगी। देखिए आपको लॉजिक ये है इसमें कि ये एक आकृति है, सबसे पहले दोस्तों इसमें लग रहा है डबल लॉजिक, कैसा, एक आकृति है, उसकी घड़ी की दिशा में एक एक भुजाएँ बढ़ती जा रही हैं, ये आपको एक दृश्य दिख रहा है, एक आकृति दिख रही है, तो इस पहली में कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें ये हमारा ए बढ़ रहा है घड़ी की दिशा में,
फिर इसके बाद ए के बाद अगला ए आ रहा है घड़ी की दिशा में, दोस्तों घड़ी की दिशा में अगला ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा जैसा मैंने बताया है, ए आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं ऐसा किस ऑप्शन में है, यहाँ पर हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ऑप्शन ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए नंबर आपको मैंने जो बनाया था अभी घड़ी की दिशा में जो बढ़ रही हैं उसकी भुजाएं एक एक, ऐसा आंसर आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीरीज देखने को मिलेंगी ग्रुप डी में निश्चित ही, तो आप देखिएगा अच्छे से इसको। ये हमारा आता है 196, 16, 144, 3600। आपको ये देख संख्या देख के ऐसा लग रहा होगा कुछ ना कुछ इसमें छुपा है, ठीक है। इसमें क्या छुपा है, इसमें वर्ग छुपा है। ये हमारा 14 का वर्ग है, ये हमारा 4 का वर्ग है, ये हमारा 12 का वर्ग है, ये हमारा 6 का वर्ग है, ये हमारा 10 का वर्ग है। तो अब क्या आएगा, 14 के बाद 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद 8, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आएगा, लेकिन 8 नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है 4, 6, 8, तो 88, 64 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, 169, 196, 225। इन संख्याओं को देखकर आपको लॉजिक पकड़ना है, यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। तो आपको लॉजिक ये पकड़ना है, ये हमारा 11 का वर्ग है, ये हमारा 13 का वर्ग है, ये हमारा 14 का वर्ग है, ये हमारा 15 का वर्ग है, तो निश्चित ही बीच में आंसर 12 का वर्ग रहा होगा, जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों आपको ये सीरीज दी गई है अल्फाबेट की, तो यहाँ पर देखना है क्या, यहाँ पर देखना है हमें सबसे पहले पीछे के दो दो अक्षर, ठीक है। सम्मी में दो दो अक्षर देखेंगे पीछे के, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें जे जे के एल, एक अक्षर का डिफरेंस है। एल के बाद एम एम एन ओ पी, बीच में दोस्तों नेक्स्ट हमारी सीरीज में अक्षर में तीन तीन अक्षर का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा तीन के बाद क्या आता है पी, फिर बीच में एक अक्षर का डिफरेंस है, फिर आ रहा है ऐसा ही दोस्तों। यहाँ पर निश्चित ही डी ओ एफ रहा होगा, डी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी के बाद डी ई एफ, ठीक है। और दोस्तों एफ के बाद हमें तीन अक्षर जोड़ना है, तो तीन के बाद हमारा जी आएगा, ठीक है, क्योंकि एफ के बाद एफ जी एच आई, ये भी तो दोस्तों यहाँ पर जी आएगा इसमें, तो यहाँ पर निश्चित ही बी ओ डी रहा होगा। तो बी ओ डी और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ए बी बी, बी बी सी सी, सी सी डी डी, डी डी ई, ई ई एफ एफ, एफ एफ जी जी आ जाएगा। यहाँ पर देखना पड़ेगा लेकिन कैपिटल और स्मॉल, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पहला अक्षर हमारा स्मॉल है, सेकंड यहाँ पर कैपिटल है, तो पहला अक्षर स्मॉल है, सेकंड यहाँ पर एफ, यहाँ पर हमारा कैपिटल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा आंसर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर बोर्ड मार्क्स का नियम फॉलो होगा, कि भाग का अर्थ जोड़ना और गुणा का अर्थ घटाना। तो सबसे पहले हम गुणा का क्या लगाते हैं, यहाँ पर घटाना लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा भाग का जोड़ना है और 12 गुणा का क्या है घटाना, और यहाँ पर घटाएंगे हम यहाँ पर 4, भाग का क्या है जोड़ना, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेंगे, ये दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है हमारा 6, ठीक है। तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड मार्क्स नियम फॉलो करके, ठीक है। दोस्तों आपको बताना है कुछ समीकरण कुछ नियम पर लॉजिक पर आधारित हैं, इसको आपको सही उत्तर ढूंढना है, ठीक है। छठ जो हमारा क्वेश्चन है अगला, तो इसमें देखा लिखा गया है 6, 8, 3। दोस्तों इसमें लिखा गया जा रहा है 6 पहले लिखा जा रहा है, उसके बाद 3 लिखा जा रहा है, बीच वाला लास्ट वाला बीच में आ रहा है, और 8 वाला सबसे लास्ट में जा रहा है। ये यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, देखिए जैसे कि इसमें लग रहा है पहले ये लिखा आ रहा है, फिर लास्ट वाला बीच में आ जा रहा है, ठीक है। बीच वाला सबसे लास्ट में आएगा, तो बीच वाला सबसे लास्ट में कौन में आएगा, उस साथ ही आपको दिख रहा होगा, यही लॉजिक लग जाएगा यहाँ पर, और दोनों अक्षर आगे आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे बहुत अच्छी क्वेश्चन कहलाते हैं रीजनिंग की, क्योंकि इसमें लॉजिक पकड़ना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 30, 24, 30, 30, 43, 43, 62। दोस्तों 24 से 30 हो रहा है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है 6, तो यहाँ पर 6 लिखा जा रहा है, ठीक है। 30 से 43 आ रहा है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है 13 का। 43 से 62 आ रहा है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें दोस्तों हमारा इसमें हमारा है 19 का डिफरेंस, यहाँ पर 19 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको आपको पकड़ना है, इसमें आपको क्या हो सकता है लॉजिक पकड़ना है, इसमें संख्या देख के लॉजिक पकड़ा जा सकता है 48 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 16 लिखा है, यहाँ पर 25 लिखा है, तो निश्चित ही कोई वर्ग दिख रहे हैं आपको 2, 3, 4, 5, ये आपको लगातार वर्ग दिख रहे होंगे, ठीक है। दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर क्या आएगा, दोस्तों यहाँ पर आएगा हमारा 1, 2, 3, 4, ये भी वर्ग संख्याएँ हैं, तो 3, 5, 4, 7। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, आपको लॉजिक पकड़ना है, यहाँ पर दोस्तों आएगा आपका लॉजिक 5, 6, 7 और 8, यहाँ पर लगातार यहाँ पर वर्ग हो रहे हैं, तो 8 का वर्ग क्या आता है 64, तो यहाँ पर 64 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है
मैं आपको इसको करने के लिए 20 सेकंड या 30 सेकंड का समय दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, करिएगा आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है रीजनिंग का ये, तो करिएगा। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है। जो ये क्वेश्चन करेगा वो वास्तव में होशियार है। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा उम्मीद है, अगर लॉजिक पकड़ पाए होंगे तो। अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या लगेगा इसमें। इसमें लगेगा लॉजिक, देखिए एक में से चार डिफरेंस चला गया तो कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर लॉजिक लगेगा हमारा, एक में से दो घटाएंगे तो कितना आता है एक, छः में से तीन घटाएंगे कितना आता है तीन, और पाँच में से एक घटाएंगे कितना आता है एक, मतलब कि ये हमारा अंतर लग रहा है दो ऊपर नीचे की संख्याओं का। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसे ही अंतर लगेगा हमारा, ऐसे ही अंतर लगाएंगे हम लोग या डिफरेंस लगाएंगे इसमें। सात में से पाँच गया दो, नौ में से छः गया, नौ में से तीन गया सॉरी यहाँ पर छः, तीन में से एक गया दो, तो 262 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऊपर नीचे की संख्याओं का डिफरेंस लग के, चाहे वो ऊपर हो बड़ी चाहे नीचे हो बड़ी, उसका अंतर लग के आंसर आ रहा है। तो यही लॉजिक यहाँ पर फॉलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाक का अर्थ प्लस और इसका अर्थ ये है तो इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको इस फॉलो करके कि आठ आठ के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, भाग प्लस, प्लस का अर्थ क्या है भाग, भाग के बाद क्या है यहाँ पर सिक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ यहाँ पर दिया गया है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर चार, फिर क्या है यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या है गुणा सात, गुणा का अर्थ क्या है यहाँ पर प्लस तीन। इसको आप बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका ए बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और शानदार क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपके सामान्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जानना बहुत आवश्यक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर आप हमारा चालू हो रहा है सामान्य विज्ञान, और लास्ट में चलेगा थोड़ा 10-15 क्वेश्चन जीके का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जान लेते हैं, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था। देखिए मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मशीन गन का आविष्कार किया था हमारे यहाँ पर जेम्स पकल ने। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होगा साइकिल का आविष्कार किसने किया था, मैकमिलन ने। ठीक है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और सेफ्टी लेजर का आविष्कार किया था जिलेट ने, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, राइफल की मैगजीन का आविष्कार किसने किया था। देखिए राइफल का सबको पता नहीं होता है, ज़्यादातर व्यक्तियों को पता होता है रिवॉल्वर का। ठीक है, क्योंकि उसका आविष्कार कोल्ट ने किया था और राइफल का आविष्कार मोसर ने किया था, तो दोनों याद रखिएगा। और रोजन वेकर ने क्या किया था, कौन पाउडर होता है उसका, उसका आविष्कार किया था, हमें याद नहीं आ रहा है, कोई पाउडर होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होता है। अगर चंद्रमा चंद्रमा पर दोस्तों हम कोई वस्तु ले जाते हैं तो भार घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पृथ्वी है दोस्तों उसका 1/6 भाग यहाँ पर अधिक होता है, और यहाँ पर चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका 1/6 भाग कम हो जाता है। जैसे कि 100 किलोग्राम की चीज़ है पृथ्वी पर, तो इसका 1/6 यहाँ पर चंद्रमा पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो भार घट जाता है, लेकिन द्रव्यमान कहीं भी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, वो हमेशा एक समान रहता है द्रव्यमान। ठीक है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। भूमध्य रेखा की दोस्तों ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान घटता है, बढ़ता है, वही बना रहता है या 45 अक्षांश तक रहता है। तो हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं दोस्तों, एस का मान घटता है। ठीक है, तो आंसर बी होगा। कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है बताते वक्त दोस्तों, तो उसको माफ़ करिएगा, और आप लोग उसका सही सुधार करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन बताते वक्त गलत हो सकता है। ठीक है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो एक अंतरिक्ष यात्री होता है पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। इसका मुख्य कारण है हमारा चंद्र तल का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प या फिर कम होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। देखिए जो क्रायोजनक हमारे परीक्षण होते हैं ये हमारे -196 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष जिसे हम लोग कहते हैं प्रोबोस्पिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए जैसे जरा दृष्टि दोष हो जाता है आँखों का, तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं बायफोकुलर लेंस से उसका हम निदान करते हैं लगाकर। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। देखिए दोस्तों मैंने कई बार बताई थी आपको कि निकटावमा से सब कुछ निकल जाता है। जिस जो व्यक्ति ने हमारे प्रीवियस ईयर के सॉरी जो पुरानी वीडियो है यहाँ पर रेलवे की उसकी नहीं देखी है,
जो मैंने आपको साइंस की यहाँ पर अपलोड की थी, तो वो पुरानी वीडियो देख लीजिए, उससे निश्चित ही आपको लाभ होगा। कई ट्रिकें यहाँ पर हमने डिस्कस की हुई हैं, जैसे कि हर चीज़ निकलती है, आँखों की कोई बीमारी हो, कोई भी ट्रिक हो, कोई भी लेंस हो, सब कुछ बताया गया है। तो मायोपिया से क्या होगा, निकट आओ माँ लगेगी ट्रिक, तो निकट आओ माँ अवतल लेंस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और इसको कहते हैं हमारा निकट आओ मायोपिया का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसका हमारा रोग होता है निकट आओ माँ मायोपिया दोस्तों, तो निकट दृष्टि दोष को आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर मायोटोपिया का अर्थ है, इसका अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है, क्योंकि उसका निकट आया था तो इसका दूर हो जाएगा, ठीक है। जल की अधिक क्वथन का कारण क्या है, देखिए जल की अधिक क्वथन का कारण क्या होता है बताना है आपको, तो ये हमारा होता है, वो होता है हमारा जल की अणुओं में हाइड्रोजन का आबंधन, इस वजह से हमारा जल का क्वथनांक, जल की अधिक क्वथनांक का कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, जब हमारा ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है बताना है इसमें आंसर, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग तो होता ही होता है ऑक्सीकरण में, ठीक है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, बिल्कुल होता है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ये भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है हमारी ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ऑक्सीकरण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवास सारणी में वर्गों की कुल संख्या है, देखिए जो आधुनिक आवास सारणी है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज दोस्तों की थी मोसली ने, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, आधुनिक आवास सारणी की जो संख्या है वो आबादों की संख्या है वो हमारी है, वो हमारी है यहाँ पर 18, ठीक है। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवास सारणी में आबादों की संख्या, देखिए यहाँ बताना है आपको आबाद बताना है, ठीक है। तो आबाद कितने होते हैं आवास सारणी में, तो आबाद होती है हमारी 7, आधुनिक आवास सारणी की बात कर रहे हैं। दो प्रकार की आवास सारणी होती है आपको पता होगा, एक आधुनिक एक हमारी जो पुरानी है, ठीक है। तो दोनों की आपको खोज हुई किन्होंने की, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, देखिए जो शून्य समूह के तत्व होते हैं ये कौन से नाम से जाने जाते हैं बताना है हमें, तो ये हमारे जाने जाते हैं निष्क्रिय तत्व, ठीक है। जो शून्य वर्ग के तत्व होते हैं हमारी आवास सारणी में, इसकी निष्क्रिय तत्व कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो आपको बहुत सी जानकारी होगी, नहीं देखा है तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए जो अंगूर होता है इसमें हमारा, और हमारा एक चीज़ और होती है इमली, इमली अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। किस कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। खट्टे फलों में होता है सैट्रिक अम्ल, ठीक है। दूध में होता है लैक्टिक अम्ल, ये आपको तीनों होने चाहिए मौके की याद, कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए जो इमली होती है मैंने बताया था अभी आपको, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, 5% होता है, ठीक है, 5% एसिटिक एसिड। और सैट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू, खट्टे पानी, खट्टे जो पदार्थ होते हैं, खट्टे जो फल होते हैं। और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है आपको पता होगा घास में, ठीक है, तो घास में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। और दोस्तों सेब में पाया जाता है, सेब होता है जो खाने का, उसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल, ठीक है। तो सभी अम्ल आपको याद होने चाहिए, कभी भी आ सकते हैं, रेलवे की परीक्षा है, साइंस का आना बिल्कुल निश्चित है। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, देखिए मैंने बताया था अभी आपको कि जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये हमारा स्याही के जो हटाने के लिए प्रयुक्त होता है वो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है, ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, और बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है ये आप याद जो ये आप कमेंट कीजिएगा, और बोरिक अम्ल किसमें पाया जाता है ये दोनों आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको पता है पक्का तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर पौधा है, देखिए जो मटर का पौधा है ये हमारा क्या है, शाख है, पुष्प है, झाड़ी है या कोई नहीं, तो ये जो मटर का पौधा है ये हमारा शाख होता है, ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर उत्पन्न होता है, देखिए अब मैंने आपको कई बार कराया था ये सेट पेपर में, जो प्रीवियस ईयर हमारे रेलवे की जो डली हुई है हमारे चैनल पर वो आप देख लीजिएगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। मैंने 3000 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, जो व्यक्ति ये वीडियो वॉच कर रहा है तो उससे निश्चित ही आपको रेलवे ग्रुप डी में बिल्कुल फ़ायदा होगा, उससे आगे नहीं आएगा आप क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा केसर होता है ये हमारा सबसे ज़्यादा होता है हमारा कहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर होता है, और वर्तीग्रह से इस पर दिख नहीं रहा है लेकिन इसमें आंसर आता है वर्तीग्रह, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ। लौंग होता है एक, देखिए लौंग होता है हमारा पुष्प, सूक्ष्म पुष्प कलिका हमारी लौंग होती है, ठीक है, तो ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माइक्रोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? देखिए किस में नहीं पाया जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, दोस्तों जीवाणु में हमारा जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है ये मन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको जीवाणु मिलेगा, लेकिन जीवाणु समेत कुछ जानकारी होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज दोस्तों की थी हमारे लेवेनहॉक ने, ठीक है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। और सब विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज की थी इनाविस्की ने, तो ये आपको मालूम होगा। जीव द्रव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए जो जीव द्रव शब्द है ये हमारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो हमारा वैज्ञानिक का नाम था पुरकिन जी, ये आपने लूसेंट पढ़ा होगा तो आपको याद होगा पुरकिन जी इसमें आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है यह किसका कथन है? देखिए ये डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है लूसेंट बुक में, तो आपने अच्छे से बुक याद होगा तो आप बिल्कुल आंसर इसका कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? जीव द्रव जीवन का आधार है, ये हमारा किया था हैक्सली ने, ठीक है। तो ये बिल्कुल लाइन लिखी हुई है, अगर आपको अच्छे से पढ़ा होगा तो बिल्कुल आंसर आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? सबसे पहली बार जीवन की उत्पत्ति दोस्तों पानी में मानी जाती है, जैसा कि कुछ स्रोतों से ज्ञात है, ठीक है। तो आंसर हमारा जल में है। पेचिस या एंटी अमीबा के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ है? देखिए जो हम लोग हमें जो हमारे शरीर में दोस्तों हम लोग कभी कभी पेचिस हो जाती है, तो उसका हमारा जो उत्तरदायी प्रोटोजुआ होता है उसका नाम बताना है, तो उसका नाम होता है हमारा एंटी अमीबा, इसकी वजह से हमें पेचिस होती है। और एक और दोस्तों आपने नाम सुना होगा ये प्रोटोजुआ का, उसका नाम होता है टेपनोसोमा, उससे दोस्तों हमें सोने की बीमारी होती है, ठीक है। तो ये आपको दोनों होनी चाहिए पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजुआ है? देखिए जो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजुआ होता है उसका नाम होता है हमारा प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? देखिए जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है बताना है कहाँ पे होती है। तो आपने देखा होगा जो मस्तिष्क होता है हमारा उसके बीच बीच आप हाथ रखिएगा अपने सिर पर, तो उसके नीचे जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पर सिर में स्थित होती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा ये हम लोग आंसर लगा सकते हैं मस्तिष्क में, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा जी हमारी जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है हमारी मस्तिष्क ग्रंथि होती है, और एक आठ हमारी जो अस्थियाँ या हड्डियाँ होती हैं उसके बीच बीच रखी होती है, वो हमारी हड्डी इसकी सुरक्षा करती हैं, ठीक है। तो ये आंसर हमारा मस्तिष्क होगा। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? देखिए जो हमारी गाय या भैंस हैं जिसे हम लोग दूध नहीं निकलता है तो इंजेक्शन लगाते हैं, ये लगाते हैं हम लोग ऑक्सीटोसन से, एक हमारा हार्मोन है एक ऑक्सीटोसन, इसका हमारा हम लोग इंजेक्शन का उपयोग करते हैं दूध लगाने के लिए गाय भैंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से होने वाले गलकंड जिसे ग्वेटर कहते हैं ग्वेटर रोग में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? देखिए दोस्तों हमारा जो गला होता है इसके नीचे में कुछ हिस्सा होता है वो हमारी वहाँ पर स्थित होती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग आयोडीन जो लोग कम लेते हैं उन्हें होती है घेंगा रोग या थायराइड ग्रंथि में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आंसर होगा ए। अब यहाँ से हमारा पार्ट लगता है जीके का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपने लूसेंट पढ़ा है तो बहुत क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। देखिए लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से दो सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? देखिए जो लोकसभा है ये हमारे अनुच्छेद किस में है? 81 में है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो लोकसभा की दोस्तों एक शक्ति होती है वो हमारी किसके प्राप्त है? आंग्ल भारतीय समुदाय को एक सदस्य को मनोनीत करने की वो हमारी राष्ट्रपति को प्राप्त है। महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी अभी कौन है आपको पता होगा, श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्हें है ये शक्ति प्राप्त, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा वी। भारत की प्रधानमंत्री, देखिए भारत की प्रधानमंत्री दोस्तों हमारा जो भारत के प्रधान राष्ट्रपति है हमारा अनुच्छेद 52 में है, और यहाँ पूछा गया भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं कि चयनित होते हैं कि निर्वाचित होते हैं कि मनोनीत होती हैं। भारत का अनुच्छेद 75 कहता है कि ये भारत का प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं ये हमारे नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए ये क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? देखिए जो संघीय मंत्रिपरिषद है ये हमारी अनुच्छेद 74 कहती है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होगा कि संघीय मंत्रिपरिषद की मंत्री उत्तरदायी किसके लिए होती हैं? केवल लोकसभा के लिए होती हैं। लोकसभा का गठन मैंने बताया था आपको अनुच्छेद 81 में किया गया है, और आंसर केवल लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के जो मंत्री दोस्तों होते हैं या लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें कम से कम कितनी उम्र होती है? 25 वर्ष चुनाव होती है, 25 वर्ष उम्र लड़ने के लिए की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा
कि विरोधी दल की नेता प्रथम नेता कौन थे। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग तो जो राम सुभाष सिंह हैं ये लोकसभा के प्रथम विरोधी दल की नेता थे, ठीक है। तो आंसर सी होगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा हाल ही में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, दीपक मिश्रा जी हैं। और वहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसमें 30+1, पहले हमारा 7+1 था, लेकिन अब 30 हमारे अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे जो पता होगा आपको कौन है, और अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। तो ये तीनों चारों बातें आपको याद होनी चाहिए, तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं। देखिए यहाँ पर लिस्टेड सूची बताना है आपको, तो हमारी 3 सूची हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा सी होगा। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं, हमारे किस देश के संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार। दोस्तों हमारे जो मूल अधिकार हैं हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और भाग यहाँ पर 3 में है, ठीक है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरत्न स्टेट्स संबंधित है। देखिए जो नवरत्न कंपनियाँ होती हैं बताना है आपको, तो नवरत्न कंपनी होती है हमारी सार्वजनिक कंपनी से, ठीक है। तो आंसर होगा सी। यहाँ पर कुछ स्टेट नहीं होने चाहिए, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था, नवरत्न कंपनियाँ, ठीक है, या फिर नवरत्न कंपनीज। विशेष आर्थिक क्षेत्र से जिसे बोलते हैं इंग्लिश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई विश्व में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सेज की स्थापना करते हैं, तो यहाँ पर हमारी होती है चीन में, ठीक है। तो इसका आंसर चीन आएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा सेज की यहाँ पर होती है बात, तो गुजरात आता है इसका नाम सेज में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिक कंपनियाँ सबसे ज़्यादा व्यापार की हमारी जो संभावना है दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारी गुजरात में है, ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे ज़्यादा हमारा यूपी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना में को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। देखिए जो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है, ये हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन हैशटैग स्कीम किससे संबंधित है। तो गोल्डन हैशटैग स्कीम हमारी है जो स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति से निर्मित है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। जो वायुमंडल है हमारा इसकी सबसे निचली परत बताना है आपको क्या कहलाती है, तो ये हमारी कहलाती है छूमंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफोमीटर, देखिए जो साइंस का क्वेश्चन है नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है। जो नेफोमीटर होता है हमारी बादलों की दिशा और गति नापता है या बताता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये हमारा एंजे जलप्रपात कहाँ पर है, देश का नाम बताइएगा। तो सबसे ऊंचा हमारा जलप्रपात एंजे जलप्रपात है, ये हमारा कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। देखिए जो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है हमारा साउथ अफ्रीका में है, और कौन से अफ्रीका में है, वो हमारा उत्तरी अफ्रीका में है। इसका दोस्तों क्षेत्रफल है 84.50 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, तो आंसर सहारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है हमारा, जो दोस्तों भारत में आपको देखा होगा भारत का नक्शा ऐसा बनता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये भाग होता है ये हमारा पूर्वी तट कहलाता है, इसका नाम होता है कोरोमंडल तट, ठीक है। और कोरोमंडल तट है दोस्तों इसमें ठंडों के दिनों यहाँ पर तमिलनाडु का जो क्षेत्र होता है कोरोमंडल तट का, वहाँ पर वर्षा होता है। जो हमारा पश्चिमी जो उत्तर पश्चिमी हमारा जो हमारा वो होता है दोस्तों क्षेत्र वो उत्तर पश्चिमी हमारा जो मानसून होता है वो करता है, ठीक है, ठंडों के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है। देखिए ओनली एक राज्य में कौन सी फैली है, ऑप्शन अकॉर्डिंग देखेंगे। अरावली हमारी नहीं फैली है, राजस्थान में, एमपी में बहुत सी जगह है, सतपुड़ा एमपी में है और राजस्थान में बहुत सी जगह है ये नहीं फैली हुई है, सहाद्री महाराष्ट्र में है और गोवा में और कहीं और हिस्सा भी लगता है हमारा यहाँ पर गुजरात का हिस्सा लगता है, ठीक है, सहाद्री में। तो तीनों तो ये हमारी अन्य राज्य में फैली है, अजंता हम ओनली महाराष्ट्र में है, तो हमारी केवल एक राज्य में है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है। जो ओजोन परत है हमारी कहाँ पाई जाती है, क्षुम्भ मंडल में, क्षुम्भ सीमा में, समता मंडल में, प्रकाश मंडल में। तो ये हमारी ओजोन परत पाई जाती है हमारी क्षुम्भ मंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। आपको वीडियो यूजफुल लगा हो और फायदेमंद लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।